नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को अभी है नहीं मिली वैक्सीन की डोज, विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल के बीच पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी चुनाव के इर्द गिर्द हुई चर्चा। महाराष्ट्र में हुई मूसलाधार बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, अगले 2 से 3 दिनों में बंगाल और झारखंड में भी दस्तक देगा मॉनसून। देश में लगातार 4th दिन आए 1 लाख से कम मामले, लगातार घट रहा संक्रमण, बीते 24 घंटे में कोरोना के 91,702 नए केस। मध्य प्रदेश की सुनार नदी में जलस्तर बढ़ने से फंसे बच्चे और मजदूर, एसडीआरएफ टीम ने सभी को बचाया। साल 2020 के अंत तक दुनिया को कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज देगा G7, ब्रिटेन ने की घोषणा। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को मिलेगा अपील का अधिकार, पाक नेशनल असेंबली ने बिल को किया मंजूर। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, डोमिनिका की अदालत में होगी मामले की सुनवाई। कराची पोर्ट पर हुआ अमेरिका का गाइडेड मिसाइल क्रूज, पाकिस्तान नेवी मीडिया विंग ने ट्वीट कर दी जानकारी। चीन ने विदेशी प्रतिबंधों से मुकाबले के लिए बनाया नए कानून, विदेशी कंपनियां चिंतित। गला रेकर हत्या, खेत में बड़ा मिला महिला का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, जहां बारिश से ही जलमग्न हुई सड़कें, घरों में घुसा नाले का गंदा पानी। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय स्तर पर किशोरियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस की सख्ती के बावजूद युवक ने किया स्लेक से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में दबंगों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई, भूमि विवाद में युवक को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ वीडियो। श्रीलंका दौरे के लिए टीम घोषित, शिखर धवन को मिली कप्तानी, भुवनेश्वर होंगे उपकप्तान। ओपनर रोरी बनर्स और डेन अलायंस ने लगाया अर्धशतक, इंग्लैंड ने पहले दिन बनाए 7 विकेट पर 258 रन। आकाश चोपड़ा ने किया डब्ल्यूटीसी की बेस्ट प्लेइंग 11 टीम का चयन, ऋषभ पंत समेत 3 भारतीय खिलाड़ियों को दी जगह। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेविड वार्नर नहीं खेलेंगे द 100 लीग टूर्नामेंट से वापस लिया ना। टीम इंडिया की 5 धुरंधर महिला खिलाड़ी खेलेंगी इंग्लैंड की लीग द 100, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दी अनुमति। अनुपम खेर के ट्वीट पर 36 घंटे में कम हुए 1000 फॉलोअर्स, अनुपम खेर ने ट्विटर से की ध्यान देने की अपील। द फैमिली मैन 2 में महिलाओं ने दी बराबर की टक्कर, एक्ट्रेसेस ने निभाए जोरदार किरदार। पति निखिल जैन ने उठाया नुसरत जहां के हर राज से पर्दा, पत्नी के अफेयर की तरफ किया इशारा। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने मांगी जमानत, 26 जून को होनी है शादी, एनसीबी ने ड्रग्स मामले में किया था गिरफ्तार।
लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के बाद मुंबई लौटे आमिर खान, आर्मी स्टाइल में नजर आए आमिर खान। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, आपका ही मजा आएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।